क्या एक नंबर से फेल याची नहीं बने जो नृत्य और भर्ती में नौकरी मिलेगी उनको? याची बनने से सेलेक्ट होंगे या अनसेलेक्ट होंगे, या याची बनने से क्या लाभ हो सकते हैं? इसमें उस सभी मुद्दों के बारे में बात करेंगे। मैं राम सर आप लोगों का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल गेट गुड ऑनलाइन में। जैसा कि उन्नत शिक्षक भर्ती में बहुत सारे अपवाद हैं, लगातार कोई ना कोई केस होते रहते हैं और उसमें टुकड़ों में ऑर्डर भी आए हैं, और ऑर्डर आते आते बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, और थोड़ा थोड़ा करके टुकड़ों में ये भर्ती पूरी हुई है। कुछ 31,000 को मिल गया, 31,000 को मिल गया, 6,000 को मिल गया, कि 6,800 लिस्ट आ गई इस तरीके से। अब एक नंबर वाले अभ्यर्थियों की जो प्रत्यावेदन लिए गए हैं, जिन जो अभ्यर्थी एक नंबर से फेल थे और याची नहीं बने थे, उनको लाभ यहाँ पर कोर्ट ने नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ याची लाभ दिया है। तो अब कोर्ट में जाने से क्या फायदा होगा, क्या नहीं फायदा होगा? सुबह मैं बता दूं आप लोगों को, मनोज चौरसिया जी हैं और इन्होंने एक याचिका करी थी आंसर की को लेकर, उसका ऑर्डर भी आ गया है और इनका मानना है कि उसमें काफी ज्यादा इनको लाभ होने वाला है। तो ये अब दोबारा से एक आंसर की जो याची नहीं थे उनकी एक रिट फाइल कर रहे हैं, क्योंकि पिछला पूरे डॉक्यूमेंट्री इनके पास में है, जिससे कि ये डॉक्यूमेंट्री को तैयार करने में उनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अब ये केस करने वाले हैं एक नंबर से फेल याचियों के बारे में, जिससे कि इनको एक सपोर्ट मिलेगी और दूसरा जो है फेल अभ्यर्थियों को भी चांस मिल सकता है। किस तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी है पूरी बात जान लेते हैं। सुबह मैं उनकी तरफ से बता रहा हूँ उन्होंने क्या क्या बात कही है, किस तरीके से जीत दिलाएंगे। उत्तर कुंजी प्रकरण पर जिन भी साथियों को जुड़ना है वह जुड़ सकते हैं, आखिरी मौका है और यह आखिरी उम्मीद भी यही से बची हुई है, और कहीं से जुड़ने पर इस आपको निराशा ही हाथ लगेगी। इसका दो कारण है, उन्होंने दो कारण क्या क्या बताए। पहला कारण बताया कि लोग ठोस सबूत और मजबूत साक्ष्य के अभाव में याचिका फाइल कर देते हैं और एक जूनियर से जूनियर एडवोकेट से आर्गुमेंट करवाते हैं, जिससे जज साहब याचिका को डिस्पोज कर देते हैं। दूसरा क्या है, लोग पैसे बचाने के चक्कर में लोगों के भविष्य खिलवाड़ करने के लिए इलाहाबाद बेंच में याचिका बिना आर्गुमेंट के ही याचिका टैग कराकर निकल लेते हैं। हमारी याचिका एक्सेप्ट होने का बस एक ही कारण है, कोर्ट में फेस वैल्यू बहुत मायने रखती है, इसलिए हमने अपने मैटर में एक सीनियर को लखनऊ बार काउंसिल के प्रेसिडेंट सीनियर एडवोकेट राजेश चौधरी सर के साथ साथ दो जूनियर को भी हायर किया है, और जिसका कारण यही है कि आज हम अपने केस को जिंदा रखते हुए हैं। और हमारा केस उस समय फाइल हुआ है जब हाई कोर्ट से मैटर डिसाइड हुआ था और सुप्रीम कोर्ट भी मैटर नहीं गया था, और हमारे लिए सबसे प्लस पॉइंट भी है कि हमारा केस सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने से पहले ही फाइल है, जिसमें सरकार यह भी नहीं बोलकर निकल सकती कि मिलॉर्ड सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, तो यहाँ हमारे एडवोकेट मजबूत तर्क के साथ सरकार को जवाब दे देंगे। कुछ नए लोग डायरेक्टर स्पेशल अपील के माध्यम से हाई कोर्ट डबल बेंच में लोगों को जोड़ने का प्रचार कर रहे हैं, तो आप लोग जान लीजिए कि सफलता सिंगल बेंच से ही मिलेगी। पहले जब तक यहाँ से कुछ मैटर डिसाइड नहीं होगा, तब तक आप सुप्रीम कोर्ट तक भी चले जाओगे, तब भी आपकी याचिका खारिज करके आपको हाई कोर्ट प्रॉपर चैनल के माध्यम से ही आने को बोला जाएगा। तो ये बात यहाँ पर सच्चा, मैंने भी कई बार कई वकीलों से बात की है, तो उन्होंने बोलते हैं कि पहले सिंगल सिंगल बेंच में मैटर हो, उसके बाद में डबल बेंच में हो, उसके बाद में आप सुप्रीम कोर्ट में है, तब जाके आप लोगों का केस डिसाइड माना जाएगा, अंतःस्थली में नहीं माना जाएगा। तो ये बहुत सारी याचिकाएं, उन्होंने का मानना है कि कुछ यूट्यूब चैनल जिन्होंने खोल लिए हैं जो केस कर रहे हैं, उनके खुद के यूट्यूब चैनल हैं, तो वो लड़कों को बेवकूफ बना रहे हैं, तो उनका पर्सनल मानना है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। और मनोज चौरसिया से बात करनी है तो आप लोग यहाँ से बात कर सकते हैं, उनके नंबर हैं, याचिका में कोई भी क्वारी है तो उनसे पूछ सकते हैं। अब बात आ जाती है कि याची में बनने से नौकरी मिलेगी, तो मैं बता दूं अगर हाई कोर्ट से ऑर्डर आ जाता है, सिंगल बेंच से आ जाएगा, तो आपको नौकरी मिल जाएगी, ये बात 100% सत्य है। और क्योंकि डबल बेंच में भी जीत जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी अभ्यर्थी जीते हैं, तो उस आधार पर आप लोगों को, अगर आप याची नहीं बनते हैं तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि ऑर्डर क्या आएगा क्या नहीं आएगा किसी को नहीं पता, कोई 100% नहीं कह सकता है कि ऑर्डर क्या आएगा, लेकिन हाँ ये है कि एक चांसेस बन जाते हैं कि अगर बाई चांस जज साहब ने ऑर्डर कर दिया तो आपको यहाँ पर एक नंबर वाले अभ्यर्थियों सरकार को नौकरी देनी ही पड़ेगी। तो ये यहाँ पर पॉइंट है, और अगर कोई भी आपके साथी या साथ का कोई बनना चाहता है तो बता दें, जिससे कहीं ना कहीं किसी ना किसी याचिका के साथ बन जाएगा, तो ये है कि नेक्स्ट आने वाले टाइम में अगर ऑर्डर आता है, सही पॉजिटिव ऑर्डर आता है,
तो उनको नौकरी मिलने के पूरे 100% चांस बन जाते हैं। अन्यथा स्थिति में नौकरी तो अभी भी नहीं है, फिर भी नहीं रहेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत याचिका में जो पैसा खर्च होगा वही होगा। बाकी कोई भी अपडेट है, कोई भी क्वारी है तो कमेंट कर देना, बता दूंगा मैं आप लोगों को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।